मैंने तो मैं सोच किया है कि मेरे को 100 पुत्रों का देहांत का दुख भोगना पड़े, मैंने नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण सोचो सोचो पीछे सोचो 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 50 जन्म तक सोच लिया, कहते मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। भगवान ने कहा 51वां जन्म सोच, सो 51 जन्म सोचा। सो ही एक्चुअली किल्ड कुछ पक्षी थे, सो ही आउट ऑफ एंगर के पक्षी पे तीर लगा था, तीर लग नहीं रहा था, उससे आप उसके अंडे उजा दिए, उसने 100 अंडे थे इसलिए। तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, लेकिन 51वें जन्म में गया था, अब रिएक्शन क्यों, 50 जन्म का गैप क्यों? तो भगवान कृष्ण बोला, क्योंकि तुमने 50 जन्म ये लगाए पुण्य अर्जित करने में कि तेरे 100 पुत्र हो, सो 50 lifetimes accruing the पुण्य कर्मा of हरी 100 sons and then the 100 sons को फिर मन्य कर्मा। पर याद तो नहीं है जी, याद तो नहीं है इनको, सर याद होगा तो बस ये सब योगी पावर्स, लेकिन स्मृति किसी चीज की होगी नहीं होगी दैट कैन बी टेस्टिंग क्राइटेरिया फॉर कार्मिक रिएक्शन। एक्शन है तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। मेरा एक और दूसरा प्रश्न है, आप जब भी कोई दृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन अच्छा से कर रहा है, भगवान का नाम कृष्ण का नाम मनन और उसके बाद जो उसके अनुभूति हुई है वो दूसरों को जैसा कि आपने बताया दूसरों से शेयर करना है, तो ये सब कर रहा है, फिर वो दृष्ट आश्रम अच्छा है जहाँ वो वहाँ छोड़ सड़क के जैसा कि एकदम आपको जबरदस्ती को यहाँ डाल दे, आप बोले कह दे यार तो रोज ये रंग का कपड़ा, सर आप हरे रंग का धोती कुर्ता नहीं पहनते, नहीं पीला नहीं काला रोज भी अच्छा क्या कोई ऐसे रहता तो मतलब चीज भी निकालते बीच से तेरे नाम बना सकते सो गृहस्थ के स्वभाव वाले को अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम डालो ना बेचारे वाले ना अरे क्या है ना बोल रहे हंस गए भाई, उसी तरह से अगर किसी ब्रह्मचारी वाला स्वभाव है उसको जब से शादी करा दो उसकी तो भी क्या है बोल रहे वो कह रहे थे ये बात है पतली तक बोल रही थी कहते पत्थर से जागे मैं तो ये तो सीमेंट की बोरी है इससे भी हारे मेरे को ये भी दुखी वो भी दुखी। तो स्वभाव के अनुसार आश्रम ठीक है जी। तो फिर लेकिन इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, इसकी भी आवश्यकता है। जैसे BSF के नौजवान को बोले ये कोई देशी सेवा करते हैं बॉर्डर बैठे ना खाली सियाचिन बैठे वहां पर क्या, लेकिन BSF के नौजवान भी चाहिए, हालांकि 99.99% लोग सिविलियंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो BSF के नौजवान हुआ है उसी तरह से 99.99% लोग गृहस्थ आश्रम में ही जाएंगे, पर कुछ BSF के नौजवान भी चाहिए। BSF मतलब भक्ति सिक्योरिटी फोर्स BSF, सो कुछ हमारे ऐसे भी लोग एवरीवन इज नीडेड इन सोसाइटी, आर्किटेक्ट्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, थोड़े कुछ ब्रह्मचारी भी चाहिए। संस्कार देने होते बच्चे को, भगवान जो होते हमारे प्रारब्ध के अनुसार लड़का हो या लड़की हो हमारी जिम्मेदारी है उसे संस्कार देना, तो सोचे लड़का होगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक्चुअली आप देखो 95% लड़के बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाते, क्योंकि पिताजी कहाँ रहते हैं गोरखपुर में विशाखापट्टनम में ठीक है जी, अच्छा जॉब्स कहाँ है दिल्ली में मुंबई में हैदराबाद में कलकत्ता में मेट्रोपोलिटन में जाना ही पड़ेगा दूर, मां आशीर्वाद दे मां मेरी जॉब लगी है माँ दिल्ली में माँ आप गोरखपुर में अपना ध्यान रखना माँ मैं दिवाली और होली में आपको फोन करूंगा माँ माँ हैप्पी वाले है पापा हैप्पी वाले है कभी आ पाता है कभी नहीं आ पाता है। 95% बच्चे ऐसी माता पिता से दूर ही रहते हैं और मान लो साथ रहते भी हैं उसकी मोनिका डाली नदी है नदी
You don't have any practice there. You can't enjoy life with these good adventures at home. You don't enjoy life. You want a separate accommodation. You know, you know, culture corner. I don't like it. Please. I love you, darling. But look, we need some privacy to enjoy life, you know. Okay, morning, darling. I guess I'll go with Asha. तो आप सोचें तो भी साथ रह पाएंगे ना कि ना तभी नौकरी की वजह से तो छोकरी की वजह से मानता है ऐसा होना पड़ जाता है होता है ऐसा बिल्कुल होता है. अच्छा जिनकी लड़कियां हैं फिर क्या वो नहीं बोलते? नहीं बोलते. तो सोचे लड़का होगा तो ही कमाल होगा ना जी ना. अगर लड़की संस्कारी होगी लड़की कार लेगी मेरे परिवार को ऐसा कुछ नहीं. तो लड़का हो या लड़की हो माता पिता की जिम्मेदारी है संस्कार देना. फिर उसके बाद लड़की की जिंदगी होती है जाओ बेटा जो जीना है जियो. ये तो जंगल का भी रूल है. शेर भी बच्चों को शिकार करना सिखाती है उसका छोड़े थी बच्चों को. ये भी बच्चे बार बना रहे माँ पहली ना जी ना और अपना शिकार करते हैं. ये जंगल का रूल है. इस तरह से बच्चा आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो पापों से बड़ा कर दिया नाउ डिटैच. अरे प्रभु ने सेवा दी थी बस हमारी हो गई. ऑल द बेस्ट बेटा तुम्हें कुछ काउंसलिंग चाहिए वहां जाना. वी वेलकम यू वी लव यू. सोचे लड़का लड़की में सोचेंगे बढ़िया है ये ना 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 तो कुछ नहीं होता. ये अवार्ड कराना कि पास है पाप इंटर दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है बच्चा ले आना. हमने एक जीवात्मा को जीवन ले आना ले लिया वो माँ का चेहरा नहीं देख पाया. पर आप देखिए ना अबॉर्शन कैसे होता है बहुत घिरौना होता है. गर्म गर्म बैग्स में बच्चे का फीटस ऐसे लगा देते उसका छोटी सी बॉडी है खून से लग पर कटा फटा पड़ा है वो गरम गरम बैग्स में ऐसे वॉश होता है घिरौना होता है. ऐसे नहीं लोग बच्चे बड़े समाज में पाते हैं हार गना उसको पुष्टि करेंगे इसकी इसका पिंडाल लग जाते हैं दया जा करके ऐसा कुछ नहीं होता उसके साथ. सो अबॉर्शन इज अ हीनियस क्राइम. यस यू से लड़का हो लड़की हो अबॉर्शन शुड नॉट हैपन. हमारे यहाँ पर देखा डिप्टी कपूर उनका बच्चा हुआ बच्चे का पैदा होते दिन में छेद है उसके माता देना अबॉर्टिंग है भगवान ने दिया है ये मतलब कारण है जो बच्चा हुआ कारण है उसी से बात करें जब तक जिएगा जिए अब वॉट डालो छेद ला छेद ही ला ले मार दो उसको. दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल दैट्स नॉनसेंस. ठीक है थोड़ा सा ओके सो फिर सवाल शांत हो गए भूख लगे सबको. एक सवाल आप कब रुक रहे हैं? When we are out of home, we see the rise of the so-called leftists who, with their opinions, very mostly say, we were from left wing. We used to eat non-veg, live a rebellious, independent life. But हमने फिर आपके वीडियोस देखने शुरू किए और वीडियोस देखते 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 अभी हम 500 लोगों का जो ग्रुप है which were left wing, we have turned into right wing. So we just came to say thank you to you. I am not saying this, I am giving an example to praise me. ये मेरी महिमा नहीं है. But I am saying this that anybody who is ready to face antagonistic, atheistic ideas, if you are ready, you can turn them. Like I go to IIM Ahmedabad every year. So it was 2018 batch. तो मेरे पास इतना 10 वर्ड रह गए इस. ऐसे प्रोफेसर ने बोला सर प्रभु जी एक बार आके ना भगवान को साबित कर दो बाकी ना संभाल लो बात. एक बार भगवान का सब गुरु बस भगवान का सब शरण है मेरे डिफिकल्ट इन दिस आई एम जंदा बाकी बच्चे. तो उसने तो उन्होंने तो मेरे टॉपिक का 10 गॉड डे एग्जिस्ट. मैंने कहा ओके हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. किसने हमें बोला था उसको था मेरे इंग्लिश ठीक है. हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है इंग्लिश तो ठीक है. मैंने कहा ओके सवाल दूसरा समझता. मैंने कहा ओके हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड 80% आप रह गए. ओके मैंने कहा सर बाकी 20% आपको क्या. मैंने बोला वी आर एग्नोस्टिक्स वी आर लीस्ट बॉदर जो है नहीं है लीस्ट बॉदर. गुड 80% आर एथिस्ट 20% आर एग्नोस्टिक्स एंड दैट टू आई एम अहमदाबाद की इंटेलिजेंस वाले लोग. मैं कहता हूँ बोले आज तेरा स्लाइड शो तो गया था हमसे आज तो वन ऑन वन चलेगा. सो सवा घंटे का पीरियड था आई एम अहमदाबाद के अंदर. It was very sparky session. You were actually all of them together charged on me. How can you say that? How can you say that? But how dare you say that?
सवा घंटे जलाओ, पर अभी ठाकुर जी के सेवा में तो एक एक सवाल का जवाब 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 सवा घंटे यही चला, स्लाइड शो लेने गया चला। और ये खबर आनंद से अहमदाबाद फैली थी, कुछ साधु जी आए हैं, उसने ग्रुप में रैली किए पूरे बैच के। तो दूसरे बैच के जो बच्चे आए थे, भाई कौन आया भाई, आनंद अहमदाबाद के बच्चों की कौन रैली मार रहा है भाई। फिर 55 लोगों का बैच होता है, उस 55 लोगों के बैच में 110 बच्चे बैठे हुए थे, एंड देन दे आल्सो चार्ज। फिर ठाकुर जी के सेवक ने उनको भी जवाब दिया। फिर आया थर्ड पीरियड में कहा लिखा, सर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? मेलो डाउन, हम्बल डाउन। तो सोचे लेफ्टिस्ट में भैया कौन सवाल है उनको, नहीं सर, इन केस यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर ब्लेस्ड विद कृष्णास मर्सी, ब्लेस्ड विद द लॉर्ड, यू कैन कन्वर्ट अ लेफ्टिस्ट इनटू राइटिस्ट, नॉट जस्ट वन क्लास की क्लास, फर्स्ट क्लास। एक सवाल मेरा खुद का है, अभी आपने एक डाइट को लेके जो डी वाज डाइट, एंड उसका आपने बहुत सुंदर जवाब दिया कि घर में ही मैक्रोनी बनाएंगे, घर पे ही मोमो बनाएंगे, पर प्रभु जी बिना गार्लिक ऑनियन का ये सब अच्छा नहीं लगता। ISKCON is world's largest pure vegetarian food distribution organization. ISKCON ने इंडिया में कोविड के समय से 7 करोड़ प्लेट्स बांटे हैं ISKCON इंडिया में, इसमें 4.5-5 करोड़ ISKCON द्वारा बांटे हैं विदाउट अनियन गार्लिक। हमारे प्योरिटेशन रेस्टोरेंट से पूरी दुनिया के अंदर 110 रेस्टोरेंट है, लोग उंगलियां चाटते जाते हैं, कोई बताया अन्य गाले है नहीं सुंदर। एक्चुअली अनियन गार्लिक से सब्जी वाहियात होती है, क्योंकि अनियन गार्लिक गुंडे हैं, चंगू मंगू, क्या सब्जी में सिर्फ हमारा स्वाद रहेगा, कहता है मटर नो मटर एक्चुअली, ए गोभी क्या रहे, ए आलू कुछ नहीं, चंगू मंगू का स्वाद रहेगा बस। तो अगर आपको सिर्फ एक ही स्वाद चाहिए सारी सब्जियों में, वरायटी नहीं चाहिए भगवान गार्लिक के अंदर, तो आप उसको प्याज लहसुन में सोड़ सोड़ करके खाइए, लेकिन आपको वैरायटी चाहिए तो उसे प्याज लहसुन मत डालिए, हल्की सी हींग डालिए, फ्लेवर भी आता है, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये भ्रम है कि हम जो खाएंगे प्याज लहसुन नहीं होगा, टेस्ट नहीं आएगा, सर उसके बिना बना के देखो खिल के आती है सब्जी एकदम मस्त टकाटक, तो इसे प्याज लहसुन नहीं खाए, गुंडे हैं ये चंगू मुंगू, कोई इस्तेमाल नहीं आना चाहिए आपको ग्रेवी, तो इसलिए अवॉइड। इंसान काम काम से भी होते हैं, बुद्धि भी खराब होती है, मतलब ठीक है, तो इसलिए क्या लहसुन नहीं खा सकते, इसको ना डाल करके तो पैसा बचेगा, उसको दान करिए हमारे करोड़पति को, पूरे मंदिर बनाइए, हमने प्यार से थोड़ा पैसा बचाया, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो क्या लहसुन महंगा भी होता है, और नहीं क्योंकि उसके मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, आपको शायद पता नहीं है, लहसुन खा के ये अच्छे होते हैं, मतलब हम तो ऐसे बैठो क्या करें, लहसुन नहीं खाते ना, तो हमारी ग्रीस कहां से आ रही है, भगवान का सारी ग्रीस उसमें डाल दी, लहसुन के अंदर सारा अमृत तत्व क्या है लहसुन, ऐसा क्या देखिए, उसमें तो कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी है, क्यों, क्योंकि एज पर शास्त्र एज पर स्क्रिप्चर्स राहु नाम का जो राक्षस है उसका गला काटा, जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन उड़ा, बिकॉज सशांत विद टच ऑफ सुदर्शन चक्र, जहां मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उड़ा, तो क्योंकि राक्षस का हड्डी और मांस है तो उसमें शक्ति तो है, लेकिन आपको फिजिकली बढ़िया करेगा, लेकिन राक्षस का मन खराब होता है, तो आपका मन लेकिन बर्बाद हो जाएगा। सो हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो उसकी ओवरऑल पैकेजिंग देते हैं, राइट, तो इसलिए उस हिसाब से प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसके अंदर ऐसे पार्टी को जो एंटी ऑक्सीडेंट के साथ ज्वाइन करते हैं, अगर एंटी ऑक्सीडेंट डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीडेंट की मात्रा क्या है, जलाना, यानी आपके सेल जल्दी जलेंगे, रिप्लेस विद न्यू सेल, बोले तो आपकी एजिंग फास्ट होती है, यानी आपकी उम्र कम होती है, क्या खा करके सीधी साधी भाषा बोले, ये साइंटिफिकली प्रूव है।
ठीक है, आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है पहले से ज्यादा, तो इसे पहले से नहीं खाना चाहिए। स्वादिष्ट पसंद आइए, टेस्टी विद वैरायटी, वैरायटी आपको देखिए खाओ पहले से, ठीक है। और प्रभु जी आपके सवाल, इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम आप अभी देख रहे हैं जो चलता है, इसका क्या अंत है? इसका भी ये पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, और इसलिए अंदर मैं शुरू कर रहा हूँ कि 1500 साल चलेगा, और अभी 1500 साल का आखिरी पार चल रहा है। इतना सनातनी कॉन्टेंट कंपनी जहां भी बोल रहे वाओ एंड गुड सेंसिबल कॉन्टेंट, नॉट जस्ट बाहुबल कॉन्टेंट, गुड सेंसिबल लॉजिकल साइंटिफिक कॉन्टेंट इट्स कमिंग अप। So that's the future. Sanatan Dharma worldwide. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Even Modi ji ka aana is part of that wave. Agla Prime Minister Yogi Adityanath ka aana is part of that wave. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Aapne kabhi dekha gele kapde mein couples comedy show mein koi aa sakta hai? पर हमारे गौर गोपाल प्रभु कपिल शर्मा के शो में तो ये सब क्या दिखा रहा है? इसे दिखा रहा है दुनिया किस ओर जा रही है। इवन इन चाइना करोड़ों लोगों ने वेजिटेरियनिज्म को स्वीकार लिया आफ्टर कोविड। इवन जिनिंग ने बोला आई रिक्वेस्ट ऑल माय चाइनीज फूड टू बिकम वेजिटेरियन, क्योंकि चमगादड़ का जूस पी पीकर तुमने अपना एक कोविड खिलाया है। सो करोड़ों लोग तो चाइना में आस्तिक हो गए, वेजिटेरियन हो गए, एंड इट्स ऑन हाई राइज, पीपल आर बिकमिंग स्पिरिचुअल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इवन ये यूक्रेन रशिया वॉर इज पार्ट ऑफ द प्लान, ताकि 6000 यूक्रेनियन डिवोटीज आए कहां? यूरोप में, अल्लाह के वहां पर, एंड देन पीपल विल चैंट हरे कृष्ण एंड एंटायर यूरोप। इट्स द प्लान ऑफ द लॉर्ड। सो सनातन धर्म इज द फ्यूचर। अगर हम सारे इवेंट्स का फ्लो देखेंगे, सनातन धर्म इज अ वर्ल्ड रिलीजन, इज गोइंग टू बी वर्ल्ड रिलीजन फॉर ओके। सवाल भैया का, हाँ बोल भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑन बिहाफ ऑफ द सिलेक्ट कॉन्ग्रीगेशन, यू आर जस्ट 2.5 आवर्स अवे फ्रॉम अ बर्थडे आई थिंक। यस, 2.5 आवर्स away from celebrating your birthday. My birthday? Yeah, a it's sketch on, of the next. So it's on 2nd December. And 1st July is whose birthday? I don't know. I think some Chameli's birthday can be there. Then I'm wishing the Chameli a very happy birthday. My birthday is not my birthday. My birthday is 2nd December. And see, go Abha July, we are going to July. That's 2nd July, not 1st July. धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। यस एक्सक्यूज यू, बोलो जी, माइक चला दो जी, इनको आ गया बेटा। सो माय क्वेश्चन इज दैट यू सेड लाइक भक्ति इज लाइफ, सो लाइफ भक्ति लेट मी इसको नहीं तो देख रहे सक्सेस दिस मनी इन वर्ल्ड, सो भक्ति करने तो इसीलिए फिलहाल थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, साथ में जिम्मेदारी पूरी करें, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पूरी करें। मैंने पढ़ाई पूरी, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, भक्ति करते हुए सुबह सुबह नाम लेता था, बस में जाते हुए भगवत गीता पढ़ता था, कॉलेज पढ़ाई करता था, कॉलेज की लाइब्रेरी 3 घंटा और पढ़ाई करता था, कोर्स स्टडी, उसके बाद फिर वापस आते हुए वॉक में कुछ लेक्चर सुनता था और थोड़ा सा आधा रेस्ट करता था, बस में घर पहुंचता था, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताता था,
संडे संडे मंदिर जाता था, मंगल आरती करता था, 4:30 जपा करता था भक्तों के साथ बैठ करके। सो ऐसा स्केड्यूल मैंने फॉलो किया, जिसमें भक्ति भी थी पढ़ाई है भी थी, एंड स्कोर 89% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। आगे बढ़े, जीवन आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण बताइए। यस प्रणाम जी आपको भी।